हमा गणिसा, आज मैं आपको कद्दू का हलवा बनाकर बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कद्दू लिया है, जिसके अंदर से बीज और पीछे से छिलका मैंने निकाल लिया है। तो अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। मैं बड़ी वाली साइड से कर रही हूँ, तो आप कद्दू को इस तरह से पकड़कर इस पर कद्दूकस कर लें। देखिए ये हो रहा है इस तरह का। तो यहाँ पर मैंने सारे कद्दू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो गैस लगा कर पैन रखा है और 1 बड़ा चम्मच हम घी लेंगे। घी को पहले हम हल्का सा गर्म करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से काजू के टुकड़े और थोड़े से बादाम के। इनको हम हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ देखिए काजू और बादाम हमारे हल्के से भुन गए। तो अब हम थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद से डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे कद्दू। अब हमें कद्दू को भुनते रहना है। आंच को हम थोड़ा बढ़ा देंगे और लगातार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो जैसे जैसे कद्दू भुनेगा यह सॉफ्ट हो जाएगा और इसके अंदर जो पानी था वो भी सूख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा कद्दू अच्छी तरह से भुन गया है। लगभग 8-9 मिनट लग गए इसको भुनते हुए। तो अब हमने 1 कप इसमें दूध डाला है। अच्छी तरह से हम इसे मिला लेते हैं। इसी के साथ हमने आधा कटोरी ताजी मलाई डाली है। मलाई फ्रेश हो वही लें, पुरानी मलाई नहीं लें। तो इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमें इसमें लगातार चम्मच चलाते रहना है। आंच को भी हमने थोड़ा बढ़ा दिया है, जिससे कि दूध है वह उसका मावा बन जाए और हमारा कद्दू है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। घी में तो हमने उसे पहले भून लिया, अब दूध में हमें उसे पकाना है। तो चम्मच इसमें लगातार चलाते रहें ताकि दूध कहीं जले नहीं या कद्दू चिपके नहीं। तो देखिए थोड़ा गाढ़ा पड़ गया है। तो अब हमने डाली है आधा कटोरी चीनी। मीठा आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा रखें। और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। चीनी डालने के बाद एक बार दोबारा हमारा हलवा जो है वो पतला हो जाएगा, लेकिन आपको लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना है जब तक कि हमारा हलवा गाढ़ा नहीं हो जाए। तो थोड़ी देर में देखिए हमारा हलवा इस तरह से हो गया है। अब यह अच्छी तरह से पक भी गया और जो दूध था और मलाई था उसका भी मावा जैसे गाढ़ा गाढ़ा बन गया है और घी भी कद्दू ने छोड़ दिया है। तो लीजिए हमारा कद्दू का हलवा तैयार है। बहुत ही जल्दी बन जाता है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और कोई भी खाकर ये नहीं कह सकता है कि यह कद्दू का हलवा है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। आप भी इस तरह से कद्दू का हलवा बनाइए और खाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।